वो टाइम स्पेस से नहीं बाहर नहीं हो एक सकती चीजों, एक मिनट, टाइम स्पेस से बाहर नहीं होगी तो पार्टिकल के टाइम स्पेस रखता था पार्टिकल बिग बैंग से पहले? नहीं टाइम के बाहर कैसे हो सकता है खुदा? अगर वो टाइम नहीं, के बाहर होगा तो वो यूनिवर्स खुदा है नहीं टाइम सकता। टाइम कब शुरू हुआ था, टाइम की आगाज कब हुआ? ये टाइम साइंस तो मानती है कि बिग बैंग के टाइम, बिग बैंग जब हुआ तो तब जब बिग तब बैंग हुआ, मतलब जी, टाइम पार्टिकल स्टार्ट हुआ, पार्टिकल बिग बैंग से पहले मौजूद था या नहीं था? क्या बात है, क्या बात है जी लेकिन उससे पहले भी टाइम था। तो टाइम कैसे, आप कह रहे हैं बिग बैंग के बाद हुआ है तो बिग बैंग से वो पहले तो मैं टाइम कहाँ साइंस से आ कुछ बातों को नहीं ना मानता, बिग बैंग को भी मैं एक थ्योरी के तौर पे मानता हूँ। ये दुनिया के मुल्हिद कहते हैं साइंस को हम मानते हैं, इस वजह से खुदा को नहीं मानते, ये बंदा खुदा कह रहा है कि मैं साइंस को भी नहीं मानता, तो फिर किस चीज को मानते हैं? अरे नेक्स्ट कॉलर एक एथियस्ट भाई मौजूद हैं जी, इनको वेलकम करते हैं जी। जी एथियस्ट भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी भाई, वालेकुम जी, आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है एथिस्ट हैं जी। और सलाम कर रहे हैं, मुसलमान हैं या एथिस्ट होकर सलाम कर रहे हैं? नहीं मैं मुसलमान था लेकिन इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना अस्सलाम वालेकुम बोलने की स्टार्टिंग में, तो बंदा आदत से मजबूर होता है इसलिए, बाकी अच्छा शौक नहीं अच्छा करनी अच्छा है जी। जी एक चले क्वेश्चन मैंने जी पूछना था आपसे, जी मेरा क्वेश्चन है कि खुदा यानी कि अल्लाह को सुनने वाला और जानने वाला वो कैसे बना, यानी कि किसने बनाया उसको? सवाल ही गलत अरे होता गलत है ये वाला, ये सवाल ही गलत शुमार होता है। नहीं है ना, लॉजिकल मैं क्वेश्चन है, जो चीज एग्जिट करती है तो उस पर क्वेश्चन तो होगा ना, तो कहाँ से आई, खुद लॉजिक, से खुद तो नहीं ना कोई चीज बनती, ये क्या बात लॉजिकल है, फैलेसीज पे मबनी है इसका। अक्ल अक्ल खुद ब खुद तो नहीं ना आती ये आपके मुताबिक। चलें, अगर फर्ज कर लें कि खुदा को कोई बनाने वाला है तो फिर ये सिलसिला रुकेगा? नहीं ना सिलसिला तो इनफिनाइट हो जाएगा ना पीछे अच्छा, से, अगर अले आप अलामा साहब, तो जी एथियस भाई, एक मिनट अलामा साहब, मैं माजरा जी चाहता हूँ, पहले एथियस भाई कोई अपना फार्मूला सेट कर लीजिए कि आप किस पे बिलीव, कौन सा क्राइटेरिया है आपका बिलीव पे या करने के, हमें ट्रक की बत्ती पे ना लगा देना, कोई पहले मैं बताता क्राइटेरिया हूँ आपको रखे और ताकि फिर गुफ्तगू का कोई तरीका हम कर जी जी सकें, जी कुछ चीज़ को क्राइटेरिया, जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं वो क्राइटेरिया हमें रख दीजिए। और एक बात याद मैं रखिए, ये नहीं कहना कि मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते, या जी तो पहले जान लीजिए तो फिर आइए, फिर ये ना कहना हो सकता है और हमें नहीं पता, ये दो चीजें जो है ना वो यूज नहीं करनी आपने, ठीक है? जी जी ठीक हो बहुत शुक्रिया। जी। मैं बिलीव करता हूँ समथिंग कि अगर कुछ तो था, अगर वो ना होता तो हम ना होते, तो नेसेसरी जो एग्जिस्टेंस थी वो तो थी ना मतलब, लेकिन वो आल पावरफुल और आल अननोन नहीं थी, मतलब कि जैसे आपके मुताबिक खुदा आल पावरफुल है वैसे। क्यों, ऑल पावरफुल होने में क्या मुश्किल है? नहीं ना आल पावरफुल वो हो ही नहीं सकती, क्यों, मुश्किल क्या है, यही तो पूछ रहा हूं। कोई 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 सबूत दे नहीं दीजिए ना, कोई एविडेंस, वो एविडेंस दीजिए ना, और आप अपने दिमाग से ना बात करिएगा, नहीं, कोई वही कह रहा रेफरेंस, ना, कोई एविडेंस। आप फिर आपके आपको जो सिंपल पचीदा चीज ऐसे हमेशा से है वो क्या ऐसे हो नहीं ना सकती, कोई भी चीज हमेशा से इतनी पचीदा सिंपल क्यों नहीं हो से सकती? हो सकती है, सिंपल से इवॉल्व हो के वो गॉड में चेंज होगी हो, नहीं, जैसे एनर्जी है आप वो सिंपल है वो हमेशा से है। नहीं, आप देखें ना, आपने पहला जो पहली जो स्टेटमेंट दी है वो ये कि कोई है, ये जी मानते हैं कुछ तो इसको या था, इसका इनकार मतलब करते हैं? कुछ था वो इनकार तो कुछ, कोई नहीं ना कर सकता, इनकार कर देगा तो अपना फिर बंदा एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता अगर अच्छा, इनकार कर कुछ दे जी। कुछ जो था वो साइंस उसको क्या नाम देती है, वो कुछ जो था? कुछ वो सिंपल एनर्जी हो सकती है, बिग बैंग के टाइम तो एनर्जी थी उस वक्त जिसने ट्रिगर किया अच्छा बिग बैंग। चलें, एनर्जी, वो बिग बैंग था, वो बिग बैंग किस चीज के अंदर हुआ था? एक पार्टिकल में हुआ था मेरे ख्याल में, जी जी एक सही? पार्टी का नुक्ते, वो पार्टिकल कहां से आया था? नहीं वो कहा तो जाता है कि वो हमेशा था उस वक्त, एग्जिट करता था बस वो था, हम क्या करें क्या बोल सकते हैं, वो था बस तो आप कह यही रहे हैं कह एक चीज सकते हैं, हमेशा सिंपल था हमेशा हो लेकिन वो नहीं, तो वही उसके ना, अंदर वो खुद, इंग्रेडिएंट थे ये यूनिवर्स को बनाने के लिए, ये जो ताकतें हैं ग्रेविटी वगैरह सारी चीजें थी उसमें मौजूद। ये कैसे हो सकता है कि एक चीज जिसके अंदर इतनी पेचीदगी है ही नहीं लेकिन इतना मुनज्जम और पेचीदा निजाम बना दे, वो कैसे, एक सिंपल चीज कैसे एक
पेचीदा निजाम बना सकती है, ये इंसान की अक्ल कैसे तस्लीम करेगी इसको? सिंपल वो इवॉल्व हुई होगी ना, मतलब टाइम के मुताबिक। नहीं, एवोल्व, एवोल्व को वो शुरू किसने किया? एवोल्व को वो खुद ही, मतलब खुद से, खुद ब खुद, एक्सीडेंटली भी खुद हो सकता है, नहीं खुद नहीं ब खुद भी हो कह, सकता है ना, ये एनर्जी ने अपने आप को वजूद देने के लिए, मतलब यानी एनर्जी ने पूरे अपने आप को यूनिवर्स खुद में पैदा फैल गई। किया है? एनर्जी ने अपने आप को खुद पैदा किया है? नहीं वो थी ना, एग्जिट करती थी उस टाइम, हमेशा से थी। तो वही कह रहा ना, आप एक चीज को तो हमेशा होने का कबूल कर रहे हैं ना, एक चीज हमेशा से जी है, जी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। और ये हमेशा से जो ये चीज है थी, जी तो इसको ये खुद, असल तो सवाल यहीं पे उठता है ना कि इस ये कहां से आई है? इस नहीं सवाल का उसका जवाब जरूरी, फिर इस सवाल का जवाब जरूरी बनता है या नहीं बनता, आप ये बताएं। नहीं, जवाब तो बनता है, लेकिन बस हमें इसका इतना मालूम नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि वो थी बस, अगर वो ना होती तो हम ना होते, वो एग्जिट करती थी हमेशा से मालूम उस नहीं टाइम कहा, पे। ये नहीं कहना मालूम नहीं, ये नहीं फिक्र इस्तेमाल करना पहले तो इसका मतलब यही है ना कि पहले। खुदा का आप इनकार नहीं कर सकते ना, आपको एक थ्योरी जो है वो बयान कर रहे हैं कि नहीं आप कोई वो खुदा की खालिक बात है। कर रहे हैं ना, जो आल अन जानता है सारा कुछ, मतलब जिसके पास अभी इलम है, टाइम स्पेस से बाहर है। मैं कहता अभी हूँ आप कि उस, वो टाइम स्पेस से बाहर नहीं हो नहीं सकती चीज वो। एक मिनट, टाइम स्पेस से बाहर नहीं होगी तो पार्टिकल के, टाइम स्पेस रखता रहा पार्टिकल बिग बैंग से पहले? नहीं टाइम के बाहर कैसे हो सकता है खुदा? अगर वो टाइम नहीं, के बाहर होगा तो वो यूनिवर्स को बना ही नहीं टाइम, सकता। टाइम कब शुरू हुआ था, टाइम की आगाज कब हुआ? ये टाइम साइंस तो मानती है कि बिग बैंग के टाइम, बिग बैंग हाँ, जब हुआ तो तब जब बिग बैंग हुआ, मतलब जी टाइम जी स्टार्ट हुआ। पार्टिकल पार्टिकल बिग बैंग से पहले मौजूद था या नहीं था? क्या बात है, क्या बात है। जो, जी लेकिन उसके उससे पहले भी टाइम था। तो टाइम कैसे, आप कह रहे हैं बिग वो बैंग के बाद हुआ है, तो बिग बैंग से पहले कोई मैं टाइम कहाँ साइंस की से आ कुछ गया? बातों को नहीं ना मानता, बिग बैंग को भी मैं एक थ्योरी के तौर पे मानता हूँ। ये आप अपना ट्रिगर, पहला, ओ भाई पहले क्राइटेरिया रख लो, मैंने यही कहा था। तुम साइंस की जी कुछ बातों को मानते हो, कुछ बातों को नहीं मानते, तो फिर हम तो आपके पीछे चलते रहेंगे सर, आप हमें पकड़ा ही नहीं देंगे। आप नहीं, पहला कोई वही नहीं, फॉर्मेट अगर बना लें, कोई क्राइटेरिया बना लें कि आप किस पे बिलीव रखते हैं या नहीं रखते, ये ये दुनिया के जरूरी है मेरे मुल्हिद, भाई। दुनिया के मुल्हिद कहते हैं साइंस को हम मानते हैं इस वजह से खुदा को नहीं मानते, ये बंदा खुदा कह रहा है कि मैं साइंस को भी नहीं मानता, तो फिर किस चीज को मानते हैं? वो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था ना कि जब बिग बैंग हुआ तो उससे पहले टाइम नहीं था, अगर उससे पहले टाइम नहीं होगा तो गॉड नहीं होगा, क्योंकि टाइम के बाहर कोई चीज एग्जिट नहीं करती। भाई तो मेरा पार्टिकल फिर मानना है कि कहाँ आ उस गया टाइम, सर? टाइम था ना पार्टिकल उस कहाँ, वक्त, टाइम क्योंकि एक कहाँ टाइम से पे तो आया? आके उसने यूनिवर्स को बनाया ना, अगर टाइम आप ना ये, होता तो लम्हे ना गुजरते, वो कैसे बनाता। मैं यही कह रहा हूं ना, आप कोई साइंस, आप खुद तो साइंसदान है नहीं है, तो फिर आप एक होमवर्क ले लें कि आप कोई ऐसा साइंसदान लेकर आए कि जो बिग बैंग से पहले टाइम का कायल हो। बात तभी आगे नहीं जा, आप अभी आप ना खुद माहिर हैं ना दीन में ना साइंस में ना फिलोसफी में, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको भी नहीं मानता, इसको भी मानता, तो टाइम जाया होगा। अभी आप फकत इसका रेफरेंस लेकर आए कि बिग बैंग से पहले जो है वो हकीकत में जमान टाइम मौजूद था। स्टीफन हॉकिंग ने एक कोशिश की है, आपने शायद उसकी किताब नहीं पढ़ी, टाइम जी को मसले का हल करने के लिए, लेकिन वो कोशिश उसकी बेकार है क्योंकि वो फलसफे की बुनियाद पर है ना कि साइंस की बुनियाद पर। हमें साइंस की एविडेंस चाहिए कि बिग बैंग से पहले जो है वो हकीकत में, ना कि ख्यालों में और अपनी तरफ से कोई जी थ्योरी नहीं, के तौर पर पेश करें, एविडेंस के साथ अगर बताएं टाइम कि बिग नहीं बैंग से था तो पहले आप टाइम बता नहीं दें था। फिर, अगर टाइम के बगैर, अगर टाइम था ही नहीं तो खुदा कहाँ पे एग्जिट कर रहा था वो टाइम। अगर टाइम होगा तो लम्हे आप एक गुजरेंगे तो खुदा एक टाइम पे आके कहेगा कि मैं यूनिवर्स बनाने लगा हूँ, उस नहीं पर नहीं टाइम नहीं गुजर रहा होगा ना फिर। टाइम, टाइम नहीं, टाइम मैंने हर एक जगह टाइम गुजर पे आके तो ट्रिगर मेरे किया भाई, ना, वो हमेशा से है, एक टाइम पे आके तो ट्रिगर करेगा ना यूनिवर्स को, बनाएगा, वही वही, सोचेगा कि अब चलें मैं बनाऊंगा, चलें ठीक है। उससे अभी पहले नहीं आप, सोचा था, अब बनाऊंगा, इसका मतलब कोई टाइम था उस वक्त। मैं एक मिनट आपको ये चीज समझाऊंगा, मैं जी एक जी मिनट में जरा थोड़ा सा ये आपसे एक चीज ये पूछता हूं कि
हम इसीलिए तो कहते हैं कि जब इन टाइम जो है, अभी मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूँ चंद जी मिनट ठीक है बात करूँ सर। ताकि सुनने वाले के लिए भी मसला क्लियर हो और आपके लिए भी, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो। जी जब ये सूरत हाल है ना कि जब साइंसी एविडेंस है ही नहीं कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं है, तो अब यहाँ पे इंसानी अकल जो है वो तस्लीम कर जाती है कि रियलिटी दो किस्म की है। बाज रियलिटी टाइमलेस हैं और बाज रियलिटी जो हैं वो टाइम रखती हैं। जिस तरह बिग बैंग के बाद जितनी रियलिटीज हैं वो टाइम के अंदर आ जाती हैं, और टाइम बिग बैंग से पहले जो भी मान ले आप, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, वो टाइमलेस है, टाइम नहीं रखती। अगर वो आप कहते हैं कि टाइम का होना हमेशा जरूरी है, तो फिर ये टाइम के ऊपर एविडेंस चाहिए, फिर ये बताना होगा कि ये टाइम कब से आया, और जब भी आप कब से टाइम का आगाज करेंगे ना, तो आपको हतमन उससे पहले एक चीज को मानना पड़ेगा। हमेशा टाइम से पहले हमेशा किसी एक चीज को मानना ही पड़ेगा, तभी आप कहेंगे कि टाइम यहां से शुरू हुआ है। पहली बात ये, बस रियलिटी दो किस्म की हो जाती है। हम इसी वजह से जो है वो नतीजा लेते हैं कि इंसान की अकल, अब यहाँ दो दो चार की तरह बात समझ में आती है कि भाई हर चीज जो है वो टाइम के अंदर ना समझे। ये साइंटिज्म का नतीजा है कि एक हवा बनाया गया साइंस को, अगरचे हम भी साइंस को हर एतबार से कि जो वो साबित कर दे प्रूफ के साथ उसको कबूल करते हैं, और अभी ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन हर चीज को ये कहना कि जमान ही के अंदर समझ में आएगा, तो आप कभी भी कायनात की सही तफसीर नहीं कर सकते, जिस तरह के स्टीफन हॉकिंग ने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। इसके अलावा दूसरे मुलहिद भी कोशिश कर रहे हैं साइंस के जरिए, लेकिन नहीं कर पा रहे, चूंकि उन्होंने ये एक गलत थ्योरी बनाई हुई है कि वही रियलिटी है जो टाइम में होगी, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। मसलन आप बायोलॉजी के अंदर जाएं तो सिंगल सेल का जवाब नहीं दे सकते, अगर वो बिग बैंग की थ्योरी के अंदर आते हैं तो पार्टिकल का जवाब नहीं दे सकते, तो हर जगह पे आके अड़ जाते हैं। तो हम फिर वहां पर यही कहते हैं कि भाई मान जाएं कि रियलिटी जरूरी नहीं है, खुलासा हो जाए टाइम के अंदर या टाइम ही के अंदर आए। दूसरी बात, आपने जो यही कही है कि एक वक्त तो आएगा कि जब वो जब कहेगा, तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि टाइम, खुदा जो है वो टाइम से पहले है, तो अब वो जब चाहता है टाइम, क्योंकि टाइम का खालिक भी अल्लाह है, क्योंकि हमारे नजदीक अगर हम साइंस की थ्योरी को लेकर चलें, उस पार्टिकल, पहला जो पार्टिकल है उसका बनाने वाला भी खुदा है, इस पार्टिकल के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उस तब्दीली के अंदर भी खुदा ही का किरदार है, और फिर टाइम वजूद में आया, बस टाइम का खालिक और उसको बनाने वाला भी जो है वो खुदा है। चलें एक और, मैं एक मिसाल आपसे लेकर समझता हूं कि जब हम कहते हैं ना कि ये है पस वो है, तो यहां टाइम को आप मद्देनजर रखते हैं। मैं इसको जी थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। आप ताला खोलने के लिए चाबी हाथ में लेते हैं और दरवाजे में चाबी लगाकर आप अपने हाथ को हरकत देते हैं, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल अब यहां मुझे आप बताएं कि हाथ की हरकत पहले है या चाबी की हरकत? चाबी चाबी पहले हरकत करती है या हाथ पहले हरकत करता है? समझ में आई जी मेरी बात? चाबी पहले हेलो हरकत, पहले चाबी मुड़ी या हाथ पहले मुड़ा? एक साथ मुड़े मतलब दोनों चीजें और कनेक्ट दोनों हो चीज, जाते हाँ दोनों एक साथ मुड़े हैं, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो क्या कहते हैं कि हाथ की वजह से चाबी मुड़ी? जी हाथ की वजह से इसका मतलब है कि हाथ का मुड़ना पहले है और चाबी का मुड़ना बाद में है, चूंकि हाथ की वजह से हुई है। जी बिल्कुल तो अब जब हाथ की हरकत और उसका मुड़ना पहले है और चाबी बाद में है, लेकिन टाइम में तो ये बराबर है। तो अब यहां पे एक मतलब पता क्या समझ में आता है? वो ये आता है कि हमेशा पहले होना और बाद में होना, ये टाइम
टाइम के एतबार से तय करना हर जगह जरूरी नहीं होता। बाज चीजें पहले और बाद में होती हैं, लेकिन टाइम से हटकर उसको समझते हैं। इसको हम जबान में कहते हैं कि पहला और बाद में होना ये रुतबी है, यानी रुतबे के एतबार से, मकाम और रुतबे के एतबार से हाथ की हरकत पहले है और चाबी की हरकत बाद में है, लेकिन टाइम के अंदर ये बराबर है। यानी जैसे ही हाथ मुड़ा, चाबी भी मुड़ गई। 1 सेकंड, 1 सेकंड से मिनी सेकंड के अंदर भी इनके दरमियान फासला नहीं पाया जाता। तो लेकिन ये हाथ जी जी, तो या ये मैं आप बात समझा रहा था, एक वो पहले और बाद वाली मिसाल आपको समझा दी कि जरूरी नहीं है कि पहले और बाद में होने का मतलब ये हो कि हमेशा जो है वो टाइम गुजरे तो एक चीज पहले करार पाए, दूसरी चीज बाद में आए, ये भी बात। और दूसरी बात ये कही है कि जब आप पार्टिकल के अंदर जो है वो साबित नहीं कर पा रहे कि वहां जमान है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हकीकत और रियलिटी खुलासा नहीं होती टाइम के अंदर, कि हमेशा टाइम में होना जरूरी है, क्योंकि फिर पार्टिकल जो है वो टाइम लेस है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं पार्टिकल भी टाइम के अंदर था, तो फिर आपको उसका एविडेंस देना होगा, उसकी उस थ्योरी के ऊपर जो दलायल और शवाहद हैं वो आपको बयान करने पड़ेंगे। बाहर मेरे ख्याल में उनके कोई नेट का इशू हो गया, वो तो साइड पे हो गए हैं, तो मुख्तसर सा जो है वो मैंने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल दोबारा जाइन, उनका नेट का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल बात हो गई हेलो है, बाकी शायद वो इधर उधर की बातें अभी चलेंगी। हेलो जी 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 बिल्कुल जी मैं अगर वो कट हो गया। जी जी बात हो गई है तकरीबन मुकम्मल, अगर इससे हटकर कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि वो फिर बाद में लंबी डिबेट में चले जाएंगे। तो चूंकि आप कह रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जमा टाइम का होना जरूरी है, तो फिर बगैर एविडेंस के तो फिर बात नहीं हो सकती, वो तो फिर एविडेंस लेकिन लाएंगे तो। आप कह रहे हैं ना कि मैं कहता हूँ कि अगर टाइम नहीं होगा तो फिर तो नथिंग होगा ना, जिसपे कोई लम्हे नहीं गुजरते, वो एक ही जगह पे फ्रीज हुई खड़ी है चीज, कोई नहीं कोई होता लम्हे ना, नहीं गुजर रहे उस पे। मैं इसी बात को समझा रहा था, ये फहम गलत है। नहीं हो सकता ऐसे कि टाइम हमेशा नहीं होता, कि टाइम होना हर रियलिटी के लिए जरूरी है। जब एक चीज साइंस के तौर पर समझाई जा रही है, तो वो इंसान को समझ जाना चाहिए कि अगर एक हकीकत पार्टिकल जो बिग बैंग से पहले है, उसमें टाइम अगर समझ में नहीं आ रहा, तो समझ जाएं कि हमेशा टाइम की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें फिलोसफिकल है, मैं वो बहस यहाँ पर नहीं। अब ये जो मैं चाबी की मिसाल मिसाल देकर दी है ना, तो ये भी बड़ी मुश्किल से मिसाल देकर समझा रहा था। अभी टाइम का पहले होना ना होना, ये फिलोसफिकल बहसें हैं, कि अभी मैं नहीं चाह रहा कि उस लंबी बहसों में जाऊं। लेकिन आपको इतना समझा दिया है कि या तो आप पार्टिकल के अंदर टाइम को साबित करें एविडेंस के साथ, या फिर मान जाएं कि हर रियलिटी जो है वो टाइम उसका रखना जरूरी नहीं है, ये मानना पड़ेगा फिर आपको। जी और जब वो चीज चलें टाइम रखे, जब वो एक चीज जो है एक चीज जो है वो आगाज करती है, शुरू होती है, तो उसका बनाने वाला हतमन कोई होता है। ये चीज जो है जो ये भी फिर समझना, इनफिनाइट चली जाएगी ना चीज, अगर हर चीज ही ऐसे होती है फिर तो बोर्ड हर चीज नहीं प्रश्नों होती, को हर चीज आपको नहीं आपने होती। खुद कहा कि जो हर खुदा खुदा का वजूद अपना है, किसी का दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारा वजूद उसका दिया हुआ है। मैं एक छोटी सी मिसाल इसको मामूलन लेकिन वो शायद सुनता है आपको ना, इसलिए जानता पता, भी है सारे काम, मतलब अकल भी एक है मिनट मैं उसके आपको पास। समझाता हूं। मैं आपको मसला मिसाल के तौर पे, ये समझाने के लिए फकत मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि मिसाल के अंदर भी कानून एक है, जो मतलब समझाना चाहते हैं ना उसी पे फोकस होना होता है। तो आप मिसाल में जो चीज समझाना चाहते हो उस पे फोकस होइएगा। आपके जी अगर कपड़े गीले होंगे तो आप सवाल करेंगे कि मेरे कपड़े क्यों गीले हैं, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल लेकिन आपने कभी पानी के बारे में सवाल किया है कि पानी क्यों गीला होता है? क्यों? उसकी वजह यह है कि पानी की जात ही गीलापन है। ऐसा नहीं है कि पानी अलग है, गीलापन अलग है, पानी को बनाने के बाद गीलापन उसको दिया गया ना। पानी यानी गीलापन, जी खुदा अलग है और वजूद अलग है, ऐसा नहीं है। ये जो वजूद है वही खुदा है,
उसको वजूद देने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि खल्क हुए हैं, हमें चूंकि बनाया गया है, लिहाजा हमें वजूद देने की जरूरत थी, ना कि उसे। जिस तरह कपड़े के अंदर गीलापन नहीं है, अगर इसको गीला करना है तो इसको गीलापन देना पड़ेगा, यानी पानी इसके साथ लगेगा, लेकिन पानी को गीला करने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा कि वो गीला हो जाए, वो खुद गीला है। खुदा वजूद है, खुदा हकीकत है, खुदा को वजूद देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नहीं थे बाद में आए हैं उनको वजूद देने की जरूरत है, और वो खुदा ने दिया है। बस खुदा का खालिक कौन है, खुदा को बनाने वाला कौन है, ये लॉजिकल फैलेसी और गलत है, ये सवाल ही असल गलत है, लॉजिकली गलत है। सवाल तो किया जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सवाल नहीं होना, सवाल है, लेकिन लॉजिकल गलत है। उसकी वजह यही है कि जो मिसाल के जरिए मैंने आपको समझाई है। बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन है इसलिए उठता है ना, क्योंकि वो सुनता है, जानता है, मतलब उसके पास अकल है ना, इलम है, तो इसलिए क्वेश्चन उठता है कि फिर वो, मतलब मैं तो मानता हूँ एक सिंपल चीज को, सिंपल नहीं है ना, सिंपल चीज इवॉल्व, क्योंकि हमारी कायनात में हर चीज स्टार्टिंग में सिंपल से शुरू होती है, इवॉल्व हो के पचीदा होती है। कायनात सिंपल से शुरू हुई है, खुदा सिंपल से नहीं। हमारी बात हो रही है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है, हम कहते हैं है, और ये कायनात सिंपल से शुरू हो के पेचीदा की तरफ आई है, उसको हम भी मानते हैं, उसका इनकार हम भी नहीं करते हैं जी। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है भाई, मेरे भाई आप थोड़ा सा पढ़े मजीद, जी बिल्कुल, आप थोड़ी स्टडी करके, हाँ थोड़ा सोचें, इंशाल्लाह फिर दोबारा ज्वाइन करें, वक्त काफी हो गया, अगला कॉल ले लें। बहुत शुक्रिया, बस ये सारा इधर से उधर लेके कुछ चीजें अच्छा आगे, अच्छा है, जवान सवाल करें, लेकर आए, परेशानी की बात नहीं होती है, जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों पे आके जो है वो अड़े रहेंगे कि हम बिल्कुल, फिर तो वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कंफ्यूजन है या आपके पास वाकई एविडेंस मौजूद है, आर्गुमेंट मौजूद है, आप आए वाकई अपने आर्गुमेंट लेकर आए, बहस होगी उसके ऊपर, और हम बैठे भी इसीलिए हैं। लेकिन अभी जैसे मसलन आपको बताया कि आप पहले सेल अगर बायोलॉजी में जाएं, या मसलन आप बिग बैंग के अंदर आ रहे हैं, तो पहले पार्टिकल जो है इसके बारे में आज तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बिलाखिर ये कहाँ से आए हैं। और साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि इस कायनात का शुरू है, ये हमेशा से नहीं है, इसी वजह से इस कायनात की उम्र बताई गई है कि इस कायनात की उम्र जो है वो इतनी है, जो साइंस ने बकायदा तौर पे आजकल जबान जदे आम है सबके लिए। जब आगाज किसी का होता है ना, तो उसका फिर कोई बनाने वाला होता है। मेरे पास एक क्लिप मौजूद है, वो इंग्लिश में है, उसको मैं चाह रहा था कि अगर इनको इंग्लिश आती मैं इनको वो सुनवा भी देता, लेकिन जरूरत नहीं है, तकरीबन सवा मिनट का है। ये पहले एथिस्ट था और एस्ट्रोबिल उसका नाम है, ये जो आर्गुमेंट दे रहा है कि मैं क्यों खुदा को मानने लगा, उसका वो आर्गुमेंट देता है, चूंकि मैंने जब देखा कि कायनात को, इस जहान को बनाने इसका कोई आगाज है और इसकी उम्र है, एक नुक्ता शुरू है इसका, तो हो नहीं सकता जिसका आगाज तो हो लेकिन उसका कोई बनाने वाला ना हो, ये आर्गुमेंट वो देता है और खुदा को मान लेता है जी। जबरदस्त, माशाल्लाह जी।